हमारी आज की चर्चा का विषय है साहित्य। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। साहित्य के बारे में तुमने जो जानना चाहा है उसके संबंध में कुछ बातें बता रहा हूं। सानिध्य और संगत ही साहित्य का वास्तविक रूप है तथा ये प्रकृति ही वास्तविक साहित्य है। जिसने इस प्राकृतिक ग्रंथ या प्रकृति का अच्छी तरह पाठ किया है वही साहित्य सेवक और साहित्य का अधिकारी बना है। जिसने इस साहित्य सेवा में मन लगाया है वही इस शास्त्र का अधिकारी हुआ है। साहित्य शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार के ग्रंथ समझा जाता है, लेकिन ये ग्रंथ कहां से आते हैं? इन ग्रंथों में जो चर्चा होती है वो प्रकृति हमारे सामने विद्यमान संसार की ही होती है। जिस संसार को हम आंखों से देखते हैं या अनुभव करते हैं उसके सभी तत्वों का जो गंभीरता से अध्ययन कर पाया है वही शास्त्र की विशद व्याख्या लिखकर वास्तविक साहित्यकार के रूप में परिचित हुआ है। साहित्य में सब कुछ शामिल है क्योंकि जिसने इस प्रकृति का गहरा सानिध्य पाया है एवं अपने अंदर के प्राकृतिक गुणों का सहज रूप से विकास किया है वही साहित्यकार है। तुम्हें ये बातें व्यवहारिक तौर पर बता रहा हूं क्योंकि तत्व की बात करने पर अलग प्रकार से व्याख्या करनी होगी। व्यवहारिक तौर पर जो अंदर होता है वही बाहर आता है। मेधा को भी साहित्य अनुराग कहा जा सकता है। इसी अनुराग से साहित्य की सेवा होती है। साहित्य सेवी इसी सेवा द्वारा परिचित होता है और यही लोग अध्यापक माने जाते हैं। ये अध्यापक भी साहित्य के अध्यापक हैं। शास्त्रज्ञों ने जो शास्त्र लिखे हैं वो भी साहित्य शास्त्र हैं। कवियों ने कविता में जिस प्राकृतिक ग्रंथ का वर्णन किया है वो भी साहित्य से अलग नहीं, क्योंकि यहां भी साहित्य अनुराग का ही परिचय मिलता है। यहां भी चर्चा है, यहां भी संसर्ग है। यंत्रों से, संगीत से, क्रीड़ा से, नृत्य और कौतुक से, मनस्तत्व की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, किसी भी गुण द्वारा जो परिचय विकसित होता है वो संसर्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये संसर्ग ही संगति है। यही योग हमारे अंदर स्थित है। ये सहजात है। ये प्रत्येक जीव के अंदर प्रतिष्ठित है एवं हमारा जन्म इसके साथ ही हुआ है। ये स्वभावगत भी है और प्राकृतिक नियम के वशीभूत भी। ये नैसर्गिक है। इससे पता चलता है कि हर व्यक्ति साहित्यकार है, क्योंकि जो हमेशा बेकार की बकवास करता रहता है वो भी अपने अनुराग का ही परिचय देता है।
कौन किस तरह की गाली देने पर नाराज होगा? ये सोच समझकर जानबूझकर वो गालियों का प्रयोग करता जाता है और इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में भी वो अपने स्वाभाविक गुण को नहीं छोड़ता। मन से जो कुछ निष्कासित होता है एवं इस अवस्था में वो जो कुछ बोलता है उस समय के लिए ठीक है, क्योंकि उसमें भी मनस्तत्व की आवश्यकता होती है। क्या कहने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस विषय में उसकी सोच शामिल है। वो जो चाहता है वो पाता है। अगर उसे मार भी खानी पड़े तो इसके लिए तैयार रहता है, पर वो अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता। साथ में अपमानित होने या मार खाने के लिए भी तैयार होता है और एक तरह से अपनी कार्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। विनिमय की ये अवस्था भी संगत की अवस्था है, क्योंकि वो जो कह रहा है और उसके जवाब में जो कहलवा रहा है वो सब उसके अंदर चलता रहता है। ये बोलना भी साहित्य है जो इस बोलचाल को प्रभावशाली बना लेता है और जितने अधिक बल या शक्ति का विकास करता है वो उतना अधिक समर्थ होता है। जो जितनी सूक्ष्मता से वस्तु को बाहर निकाल सकता है या निचोड़ सकता है उसका साहित्य उतना अधिक सुंदर और मधुर होता है, तथा वो लोग ही साहित्य सेवा के वास्तविक अधिकारी और साहित्यकार होते हैं। वो ही बाद में अध्यापक शिक्षक बनते हैं। दूसरे अध्यापक या शिक्षक की ये अवस्था भी प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, क्योंकि जीव जितना अधिक अनुराग का परिचय दे, साहित्य शास्त्र का परिचय दे, ये गुण भी उसके अंदर रहता है, तभी वो ऐसा कर पाता है। अन्यथा इन बातों को वो कहां से लाता है? तुम्हारे पास इंद्रियां हैं जिनके द्वारा तुम विभिन्न प्रकार से इनका वर्णन कर सकते हो, क्योंकि इंद्रियां पहले ही इस वर्णन से युक्त हैं। आगे चलकर जो विभिन्न प्रकार का वर्णन होता है वो नया प्रतीत होने पर भी नया नहीं है, तथा नया होने की वजह से जितना सुंदर प्रतीत होता है वो भी बाद की अवस्था के विकास के लिए एक प्रकार की नई स्थिति है। समुद्र से रत्न निकालने का काम कोई नया काम नहीं है, केवल उसे बाहर निकालना होता है। लेकिन इस महासमुद्र से जिन अनेक रत्नों को खोजकर निकाला जा रहा है, नए रत्नों का नाम दिया जाता है, वो केवल नाम ही रहता है, कोई नई वस्तु नहीं। यहां जो चर्चा होती है वो संगत है। यही चर्चा और संगत की आवश्यकता है। जिस यंत्र के अंदर कई पर्दे होते हैं उन पर्दों में ही सारे सुर छुपे होते हैं और वहीं लीन रहते हैं। यंत्र को दबाते ही ये स्वर बाहर आते हैं और वो भावधारा एक आसक्ति को जन्म देती है। वही साहित्य अनुराग है।
जो इस राग रागनी को खिंचाव देता है वो खिंचाव ही अनुराग में परिणत होता है। व्यवहारिक तौर पर यहां जिस साहित्य की चर्चा हो रही है वो भी विभिन्न विकृतियों के बीच से गुजर रहा है, क्योंकि जो साहित्य को व्यवसाय बनाए उसे साहित्यिक व्यवसायी ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपनी जीविका का निर्वाह करता है और जीविका निर्वाह का तात्पर्य केवल खाने पहनने से नहीं है, इसके साथ यश मान अहंकार और प्रतिष्ठा भी जुड़े हुए हैं। जब मन इनकी ओर आकर्षित होता है तब साहित्य में विषमता आती है एवं इसमें भी संदेह होता है कि इस प्रकार का साहित्य किसी को प्रभावित करता है या नहीं। प्रेरणा कई प्रकार की होती है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम, भजन राम नारायण कोई यश और मान पाने के लिए साहित्य रचना करता है, कोई सत्य को संसार के सामने लाने के लिए, और कोई विभिन्न अलंकारों द्वारा साहित्य को सजाना चाहता है। कोई जिससे अनुरक्त हो उसे अनुराग पूर्ण साहित्य का दान करना चाहता है, तथा कोई तुलनात्मक रूप से प्रतिद्वंद्विता के माध्यम से साहित्य को प्रस्फुटित करना चाहता है। ये प्रस्फुटित अवस्था अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुणों से युक्त होती है। अपनी विचारधारा पर स्थापित और अलग अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थित होती है। यहां साहित्य का संस्कार भी होता है और इन सबसे जो शास्त्र रचा जाता है पाठक गण उसका पाठ करते हैं, और जो पाठ करते हैं वो भी कुछ नया लिखने की कोशिश करते हैं। हर लेखक की लेखनी तभी समर्थ होगी जब यह तय हो जाए कि तुम्हारी विचारधारा इस सृष्टि के नियमों से युक्त हो, तभी तुम तत्व का विकास कर सकोगे। इसलिए तुम इनकी चिंता से चिंतित होगे। जो लोग विवेक और वैराग्य से साहित्य के द्वारा वैराग्य का प्रकाश करते हैं, उनकी इस भाव प्रवणता को यदि स्वाभाविक माना जाए तब भी ये भाव किसी पहेली की तरह लटके रहते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे संस्कारों के वश में हैं। इन संस्कारों को हमने स्वयं बनाया है, क्योंकि
भगवान के बारे में हम अज्ञानी हैं, लेकिन कल्पना द्वारा हमने ये निश्चित कर लिया है कि वो इस प्रकार का है। इस तरह की अवस्था में भाव या भाव प्रवणता पर निर्भर हो साहित्य की रचना होती है। ग्रंथ के अंदर वो भाव मधुर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये निस्तेज हो जाएगा। जिस प्रकार बच्चों के शरीर पर हाथ फेर कर उन्हें सुलाया जाता है, उसी प्रकार ये साहित्य राष्ट्र को सुलाने का कार्य करता है। ये भाव की छाया की तरह हमारे शक्ति संपन्न तेजस्वी मन को भीतर ही भीतर ठंडा कर एक ऐसी छाप छोड़ता है कि हमारा मन निस्तेज हो उठता है। ऐसा क्यों होता है? इंद्रियों का स्वाभाविक स्वभाव है विश्राम लेना, एवं विश्राम की चरम अवस्था है निद्रा। उसकी भी चरम स्थिति है पूरी तरह अवसान। जहां देह का अवसान हो सकता है, उसका पूर्वाभास है निस्तेजता का भाव, शिथिलता का भाव, विभिन्न प्रकार की मादकता के भावों का शामिल होना भी अस्वाभाविक नहीं है। इन सब की अंतिम परिणति शरीर के अवसान के रूप में होती है। अतः इसके पहले अवसाद होता है। अवसाद होना अस्वाभाविक नहीं है। जितने भी प्रकार के अवसाद रूपी वाणी और वार्ताएं हैं, उन्हें इन आंख कान नाक आदि इंद्रियों के अंदर जितना प्रसारित किया जाए, उतनी ही मादकता आती है। मादक द्रव्यों में नशा तो होता ही है। जिस प्रकार द्रव्यों के गुण से नशा होता है, उसी प्रकार इन भावों से भी होता है। वो भी द्रव्य से अलग नहीं है। द्रव्य का एक व्यवहारिक पहलू है और एक भाव प्रवण पहलू। लार टपकने के दृष्टिकोण से इमली खाने और इमली खाने के बारे में सोचने में अधिक अंतर नहीं है। भाव प्रवणता भी कल्पना पर ही स्थापित है। जहां स्वर्ग रचना है, वहीं सातों लोक हैं। विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं से उत्पन्न इन आलोचनाओं पर ऐसा विश्लेषण किया जाता है जिसे पढ़ने पर लगता है मानो हम वहीं हों, और वहां रहने के लिए पहुंचने के लिए प्राणपण से कोशिश चलती है। ये भाव और इसकी भावधारा जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, वो साहित्य एवं ग्रंथों के माध्यम से ही संगत या संसर्ग द्वारा आती है और हमें भावविष्ट कर डालती है। जिस प्रकार मादक द्रव्यों का नशा एक बार करने के बाद उसे छोड़ना कठिन होता है, सैकड़ों बार कहकर भी उसे छुड़ाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ये नशा भी उतना ही संक्रामक है। जो एक बार इसके संसर्ग में आया, वो डूबता जाता है। जो लोग सांप के नशे में वशीभूत हैं, वो इसी नशे के बारे में ग्रंथों की रचना करते हैं। वो इस आसक्ति में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि उनकी लेखनी भी उनके अनुसार ही चलती है, और ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि वो इनके द्वारा उपकृत हुए हैं। ये भाव भी उसी प्रकार के हैं।
इसलिए हमारे यहां जहां महादेव की पूजा होती है उन्हें विभिन्न प्रकार के नशों का प्रतीक बनाकर रखा गया है। ऐसा कोई नशा नहीं है जिसमें वो डूबे ना हो एवं इस नशे में डूबकर वो सत्य वस्तु का संधान करते हैं। उनका अनुसरण करते हुए जिन लोगों में इसकी गहराई में ना जाकर केवल नशे में प्रवेश किया वो हमारे साहित्य को भाव आलोचना में ले जाते हैं। यही आलोचना अधिक प्रचलित है। अलग अलग लोग अपनी इच्छा अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर इससे विभिन्न साहित्य शास्त्रों की रचना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि साहित्य जगत के नाम से परिचित जगत को जिसने अच्छी तरह पहचाना हो अनुभव किया है एवं उन अनुभूतियों को केवल भावों और कल्पनाओं को अंदर से नहीं बल्कि धारावाहिक रूप से मन में स्थापित कर लिया हो उनका साहित्य ही वास्तविक साहित्य होता है। तुम भी उस साहित्य का अच्छी तरह पाठ कर उसके बारे में जान लो, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन जब तुम इस संसार को जानोगे तभी तुम जनता के भीतर भी सुंदरता सहित साहित्य रच सकोगे। इसलिए जगत को इन इंद्रियों और बुद्धि द्वारा पहचानना होगा तथा इसे जो जितनी अच्छी तरह पहचान सकेगा वो उतना ही अच्छा साहित्यकार होगा, वही सच्चा साहित्य लिखेगा और साहित्य अनुरागी होगा। कल्पना के मार्ग पर चलते हुए एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम रखा गया मृत्यु के दूसरे किनारे पर, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी कल्पना कर एक ग्रंथ लिखा गया और उसे पढ़कर ऐसा लगेगा मानो लिखने वाले ने ये सब कुछ स्वयं देखने के बाद लिखा है, लेकिन ये सब भ्रम है। ये भ्रम के आधार पर जनता को आधारहीन विचारधारा में भटकाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इससे स्वतंत्र विचारधारा में बाधा उत्पन्न करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण।